मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी इंडिया न्यूज़। कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दव खड़े काके लाए गोपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। इसका अर्थ होता है गुरु और ईश्वर दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, लेकिन गुरु ने तो ईश्वर के साथ जाने का मार्ग दिखा दिया। यही कारण है कि हमारे देश में गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही गुरु किसी शिक्षा के मंदिर में छात्र की जान का दुश्मन बन जाए तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तस्वीरें औरैया जिले के बसूली गांव की है। तस्वीर में दिख रहे इस मासूम की उम्र 15 साल है और इसका नाम निखिल है। ये आदर्श इंटरनेशनल कॉलेज में 10वीं का छात्र है। इस मासूम की गलती बस इतनी थी कि टेस्ट के दौरान इस मासूम से कॉपी लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। फिर क्या था, कॉपी देखते ही शिक्षक अपना आपा खो बैठा। उसने छात्र को इस कदर पीटा कि छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल भर्ती कराना पड़ गया। वह छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों की एक टीम ने उसे सैफई मेडिकल रेफर कर दिया। अस्पताल में 20 दिन तक छात्र अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार छात्र इस जंग को हार ही गया और मौत की आगोश में चला गया। तो सर ये चाहता है कि आज मेरे बच्चे के साथ हुआ और कल और अभी उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो कल वो दूसरे के साथ भी कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें तो खुली छूट मिल जाएगी कि अभी नहीं कुछ हुआ तो फिर दूसरा भी नहीं कोई करेगा, हम तो मारते ही रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ सजा मिले, जो आगे कुछ सीख मिल जाए उन्हें। पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत कई गंभीर धाराओं के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी शिक्षक अभी तक फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी। अब देखना होगा आरोपी शिक्षक के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ कब पहुंचते हैं। टीचर के द्वारा अब फोन उठाना बंद कर दिया गया, तब 24 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई जिस पर समिति की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। सूचना ये प्राप्त हुई है कि सैफई में इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। कॉज ऑफ डेथ की जानकारी करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल से और वीडियोग्राफ कराने के लिए CMO इटावा से बातचीत कर ली गई है, उन्हें लिखित पत्राचार कर दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई गई है। ये शिक्षक आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे पहुंच ही जाएगा, लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बच्चे शिक्षा के मंदिर में कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं और बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को उसकी गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। तो दीजिए मुझे ज्यादातर ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूवी इंडिया न्यूज के साथ।